31 दिसंबर 69 की अव्यक्तवाणी, प्लेन याद से प्लान्स की सफलता। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, क्या देखने और क्या करने आए हैं? आज बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से एक वायदा कराने आए हैं। वायदा करने में तो यह आत्माएं आदि से ही प्रवीण हैं। जैसे शुरू में वायदा करने में कोई देरी नहीं की, कुछ सोचा नहीं, इस रीति से अब भी बाप दादा वायदा लेने लिए आए हैं। यूँ तो सारे ड्रामा में अनेक आत्माओं के बीच तुम आत्माएं ही हिम्मतवान प्रसिद्ध हुई हो, जो हिम्मत रख बाप दादा के समीप रहे और स्नेह भी लिया, मदद भी ली और की भी, तो उसी संस्कारों को फिर से टेस्ट करने आए हैं। एवर रेडी तो सभी है ना। वायदा यही है कि अभी से सभी एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन, वाणी, कर्म में महानता, यह पांच बातें एक एक के हर कदम से नजर आवे। सुनाया था ना कि भट्टी के बाद सर्विस के स्थानों पर निकले, वह दिन याद है ना? लोग सभी क्या कहते थे? सभी के मुख से यही निकलता था कि यह एक ही सांचे से निकली हुई है, सभी की बात एक ही है, सभी के रहन सहन, सभी के आकर्षण, जहाँ देखो वही नजर आता है। वह किसका प्रभाव पड़ता था? अव्यक्ति पालना का प्रभाव। व्यक्त में होते हुए भी सभी को अव्यक्त फरिश्ते नजर आते थे, साधारण रूप में आकर्षण मूर्त और अलौकिक व्यक्तियाँ देखने में आते थे। अब फिर से वह जैसे 16 वर्ष की भट्टी, यह फिर 16 दिन की भट्टी, लेकिन अब से हरेक को यह मालूम पड़ना चाहिए कि यह बदल कर आए हैं दुनिया को बदलने के लिए। सारे दैवी परिवार की इस ग्रुप पर विशेष आँख है, तो विशेष आत्माओं को अपनी विशेषता दिखानी है। कौन सी विशेषता? वह पांच तो बातें सुनाई। जब यह पांच बातें हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में याद रखेंगे, तब ही विशेष आत्माएं सभी को नजर आएंगे। जब अपने में विशेषता लाएंगे, तब बाप को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अपने संपूर्ण संस्कारों से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो, सिर्फ सर्विस के प्लान से नहीं, लेकिन अपने संपूर्ण संस्कारों से, अपनी संपूर्ण शक्ति से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। अच्छा, अब शांति।